हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। लास्ट सेशन में हमने किया थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड आज हम करेंगे इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट विच इज फाउंडेड बाय द शूमपीटर। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? उसने कहा कि जो प्रॉफिट है, जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है तभी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। इट मीन्स क्या है कि अगर मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मुझे प्रॉफिट मिले, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, तो उसको हर टाइम कुछ नया करना पड़ेगा, नई इनोवेशंस करनी पड़ेंगी, न्यू इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, जिस वजह से उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं। हम भी देखते हैं मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। जब वो प्रोडक्ट पुराना होता जाता है तो उससे प्रॉफिट कम होता है। जैसे मोबाइल लगा लो, नया मॉडल मार्केट में आया, उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं और डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है, तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होती हैं? क्योंकि इसमें कुछ नए फंक्शंस हैं, नई क्वालिटीज हैं, कुछ नया आया है, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी प्राइसेस भी हाई हो गई, तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जब उसको 2 मंथ 3 मंथ हो जाएंगे तो और एंटरप्रेन्योर आएंगे, वो देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो मैं क्यों ना ऐसे ही एक नई कॉपी बना लूं, तो वो उस मॉडल को कॉपी करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स क्या है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी क्वालिटी फीचर्स वाला नया मोबाइल लॉन्च कर देंगे। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च होता है तो प्राइसेस हाई होती हैं, डिमांड ज्यादा होती है, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन जब कुछ टाइम पास हो जाते हैं उसके बाद उस प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो एंटरप्रेन्योर के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी खत्म होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शूमपीटर ने क्या कहा है कि अगर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसको मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, तो उसको हर टाइम कुछ नया करना पड़ेगा, नई इनोवेशंस लानी पड़ेंगी, नई इन्वेंशंस लानी पड़ेंगी, जिस वजह से उसको प्रॉफिट हो सके। जैसे COVID-19 आया, 19 से पहले क्या था, मास्क नहीं था। जब स्टार्टिंग हुई तो सभी जो इंडस्ट्रीज ने मास्क बनाना शुरू किया उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। लेकिन जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने देखा इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है, तो सबने प्रॉफिट के लिए मास्क बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से मास्क के प्राइसेस भी डाउन चले गए और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया। इसीलिए मार्केट में अगर कुछ नया लाना है तभी जाकर आपको प्रॉफिट होगा। इसी बात को शूमपीटर ने कहा है, फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, उसका काम है, फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस और न्यू इन्वेंशंस। इसलिए उसको मार्केट में हर टाइम कुछ नई इनोवेशंस लानी है, जे नई इन्वेंशंस करनी है। ये था उसका मेन पॉइंट इनोवेशंस का। शूमपीटर ने इनोवेशंस को कैसे डिफाइन किया है? उसने कहा है 5 टाइप्स की इनोवेशंस हैं। अगर कोई नई इनोवेशंस आती है तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इनोवेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट ले आओ जो आज से पहले मार्केट में नहीं चल रहा था, अगर नया प्रोडक्ट होगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। नया प्रोडक्ट है, लोग उसके ऑटोमेटिक डिमांड करेंगे। जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो क्या होती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट में माल चल रहा है, प्रोडक्ट है, लेकिन उसका कोई नया मेथड ले आओ, कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस कर दो, नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर दो। अगर आप नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो कोई नया मॉडल ले आओ, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का नया तरीका होना चाहिए।
जिससे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाए। जैसे मोबाइल पहले भी था, लेकिन उसमें मोबाइल से हम इंटरनेट कम यूज करते थे, इसको सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर रहे थे। जब जियो ने क्या किया, वो मोबाइल इंडस्ट्री में आया, उसने क्या किया, फ्री में सिम बांटने शुरू कर दिए, सभी को कहा अनलिमिटेड डाटा फ्री है, तो सबको हैबिट बना दी किसके, इंटरनेट की। जब सबके पास इंटरनेट हो गया तो उसके बाद उसने प्राइसेस इंक्रीज कर दी, जिससे उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। उसने कस्टमर बेस कितना ज्यादा इंक्रीज कर लिया, जे क्या है मार्केट स्ट्रेटजी फॉर द प्रोडक्शन। उसने क्या क्या किया, नया मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि मैं कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ सके और उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। एंड थर्ड वन, ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट, एक नई मार्केट ओपन कर दो। अगर कहां जहां पर वो मार्केट में इस जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो लोगों को उस मार्केट में लेकर जाओ, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस इतने लो कर दो कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने शुरू हो जाए। जैसे हम कह रहे हैं वाइट गुड्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, अगर हम कहते हैं जो पुअर सेक्शन है उसके पास ये सभी गुड्स नहीं होती हैं, अगर उसको टारगेट करें, उसके लिए जो सभी गुड्स लेकर आए, थोड़ी सी नए मेथड है, नया रॉ मटेरियल से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी लो कर, अगर हम अफोर्डेबल प्राइसेस पर उन लोगों को इनकी क्वालिटीज बताकर उनकी डिमांड इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, तो जो लोग पहले ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, वो लोग भी उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स क्या है, नई मार्केट ओपन होगी। एंड नंबर फोर, डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप ऐसा कुछ कर लो, रॉ मटेरियल का नया सोर्स ले आओ जो आज से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, उससे क्या होगा, कॉस्ट तो लो होगी होगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज करना शुरू कर जाएंगे। सो वो क्या कहते हैं, आप रॉ मटेरियल का नया सोर्स इंट्रोड्यूस कर दो, जिससे कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम हो जाए और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए। एंड फिफ्थ वन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। अगर आप कुछ नया इन्वेंट नहीं कर सकते, तो अपनी इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइज कर लो, जिस वजह से प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर हम एक इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करते हैं, उससे क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होंगे, हर एक डिपार्टमेंटाइजेशन होगी, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से हर प्रोडक्ट को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट अपना ही वो काम करेगा, जिस वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। अगर एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो अगर आपकी इंडस्ट्री 100 साल पहले, 150 साल पहले जैसे चलती जा रही है, अगर आप उसको रीऑर्गेनाइज कर लेते हो, तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिस वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अपनी इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज कर लो। तो शूमपेटर ने जी 5 तरह की इनोवेशंस बताई हैं। अगर एंटरप्रेन्योर कोई भी एक इनोवेशंस करते हैं, तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। ये थी इसकी थ्योरी। अब इसकी क्रिटिसिज्म, फर्स्ट है रिस्क। शूमपेटर क्या कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वो नई इन्वेंशन करते हैं। क्या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट इसलिए नहीं होते, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। इज अ रिस्क टेकर। मार्केट में से नया सारा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बना दिया, क्या पता उसको ये मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, उसको कुछ क्लियर है नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है कि जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है, उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी। सो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक रिस्क टेकर भी है। सिर्फ इन्वेंशन की वजह से उसके प्रॉफिट नहीं होते, वो मार्केट में रिस्क लेता है, इसीलिए प्रॉफिट होते हैं। हम में से बहुत सारे पर्सन हैं जो नई इन्वेंशंस कर सकते हैं, लेकिन हमें मे बी ये क्वालिटी ना हो कि मैं मार्केट में रिस्क भी ले सकूं। मैं नई रिस्क ले सकती, इसलिए अपना फॉर्मूला सेल कर दिया। मैंने खुद मार्केट में उस फॉर्मूले से प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने आगे फॉर्मूला ही सेल कर दिया।
क्यों? क्योंकि मैं डरती थी अगर मेरा माल सेल ना हुआ तो क्या होगा, मुझे बहुत सारा लॉस हो जाएगा। जिसको मैंने वो फॉर्मूला सेल किया वो रिस्क ले सकता था, उसने रिस्क ले लिया। तो एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है कि वो रिस्क भी ले सकता है, इसीलिए उसको प्रॉफिट होते हैं। तो प्रॉफिट सिर्फ इनोवेशन का रिजल्ट नहीं होती, प्रॉफिट रिस्क का भी रिजल्ट है। नंबर टू, अनसर्टेनिटी की इग्नोर्स। उसने इग्नोर कर दिया कि अनसर्टन भी होता है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन जितना तो मार्केट है, मार्केट तो अनसर्टन ही होती है। कुछ नहीं पता कल क्या नया हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिसमें हमारे प्रोडक्ट सेल ही ना हो, नई इन्वेंशंस का कोई बेनिफिट ही ना मिले। अगर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती हैं, हो सकता है बैक हिट कर जाए तो क्या होगा? फ्यूचर इज अनसर्टन। अगर विंडफॉल गेन हो सकते हैं तो विंडफॉल लॉस भी हो सकता है, तो इस चीज को भी उसने इग्नोर किया है। जेडी शुमपेटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। होप से कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।